हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। ये नाइन्थ क्लास में है मोल कॉन्सेप्ट, यूनिट 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट जो हम कैलकुलेट द मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो नाइन्थ में भी, 10th 11th 12th, नीट और IIT सभी में, BSc तक काम करते हैं। तो आज आपको सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा नंबर मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। बहुत सिंपल है, बच्चे ज़्यादा ना नंबर मोल्स में परेशान हो जाते हैं, हॉपलेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आज मैं दुनिया का सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द मोल्स। तो देखिए, इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले मोल्स कैसे निकाले जाते हैं ये समझो। तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इधर फोकस करना। एन इक्वल टू W/m, ये आपका पहला फॉर्मूला है। एन यहाँ पर नंबर मोल्स, W वेट ऑफ सबस्टेंस, और M है यहां पर मोलर मास ऑफ सबस्टेंस या कंपाउंड। तो इससे W/m से आपका नंबर मोल्स निकल जाएंगे। इस तरह से 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, नंबर मोल्स, W और M। अब देखिए, सेकंड हम इसमें निकालना चाहते हैं मोलर मास, M इक्वल टू W/n। क्वेश्चन नंबर, या किसी न्यूमेरिकल्स में मोलर मास कैलकुलेट किया गया है, कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो उसमें W वेट ऑफ सबस्टेंस है, नंबर मोल से डिवाइड कर देंगे आप, तो आप मोलर मास निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें W और N बहुत जरूरी है। इसको और इसका जो है 3 टाइप का न्यूमेरिकल इस तरह से बनता है, W इक्वल टू N मल्टीप्लाई M। तो थर्ड जो इसका इक्वेशन है, फॉर्मूला है, वो वेट निकालना है, वेट ऑफ कंपाउंड निकालना है। तो नंबर मोल्स में मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेट ऑफ सबस्टेंस आ जाएगा। हम एन निकाल सकते हैं, नंबर मोल्स निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं, और W वेट ऑफ सबस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नंबर मोल्स पर 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि नंबर मोल्स के लिए फॉर्मूला। तो देखिए, नंबर मॉलिक्यूल्स निकालने के सीखे, तो नंबर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें एन इक्वल टू एन ए मल्टीप्लाई नंबर मोल्स एन। यदि हमने किसी के नंबर मोल्स निकाल लिए और आपको नंबर मॉलिक्यूल्स निकालने, तो आप क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर। एन ए में आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि हम जो नंबर ऑफ मोल्स का एवोगाड्रो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे नंबर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला नंबर मॉलिक्यूल्स एन, एन इक्वल टू एन ए मल्टीप्लाई एन। यहां पर एन ए नंबर मॉलिक्यूल्स हैं, एन एवोगाड्रो नंबर है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, एन नंबर्स है, नंबर मोल्स। अब इसका एक फॉर्मूला है, कभी कभी क्या होता है, नंबर मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं, नंबर मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो आप नंबर मोल्स कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे, एन इक्वल टू एन अपॉन एन ए। तो एन यहां पर एन है नंबर मोल्स, और एन है यहां कैपिटल एन जो है यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एन ए है एवोगाड्रो नंबर, जो मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स होती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आप एवोगाड्रो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे नंबर मोल्स आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें 5 टाइप्स के फॉर्मूले बन जाते हैं। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और इस फॉर्मूलों को याद करिए। आप 9th 10th 11th 12th BSc नीट IIT किसी भी कंपटीशन का नंबर मोल्स निकाले जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पूछे जाएंगे, एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, तो
अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना। अब देखो मैं यहां पर ये बता रहा हूं आपको, यहां पर कन्वर्ट इनटू मोल्स, इधर फोकस करिए, नंबर कन्वर्ट इनटू मोल्स, मोल्स में कन्वर्ट करना है 12 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मतलब ये है ए, ए पार्ट है ना, तो 12 ग्राम लिखा हुआ था, इसका मतलब ये डब्लू, डब्लू हो गया यहां हमारे पास 12 ग्राम, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स होता है O2, तो मोलर मास हो जाएगा O2, O2 का मतलब होता है 16 प्लस 16, एक एटम का 16 होता है, तो यहां हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, और यहां पर हम निकाल सकते हैं नंबर मोल्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आप इतना लिख दीजिए, और यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं एन इक्वल टू होता है डब्लू अपॉन एन, तो हमारे पास नंबर मोल्स कैलकुलेट करेंगे, डब्लू हमारे पास है 12 और 32, तो इससे हम नंबर मोल्स निकाल देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करिए तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड कर दिए 3, 2 से डिवाइड कर दो 8, तो n इक्वल टू हो गया 3 अपॉन 8, अब ये 3 में 8 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दीजिए 3 8, 0 डेसिमल लगाओ या 0 लगा लो, 8 2 जा 8 3 जा 24, 6 0, और 8 7 जा 56, और ये यहाँ 4 0, और 8 5 जा 40, तो हमने यहाँ देखा n इक्वल टू 0.375 मोल्स, ये आंसर हो गया, इस तरह से हम निकाल सकते हैं ए। अब ये बहुत सिंपल मेथड है, 9th वालों के लिए बहुत यूजफुल है, और कुछ 9th क्लास में इसे हटा दिया गया या बहुत शॉर्ट में बताया गया है, मोल्स को सिलेबस में कुछ चेंजिंग कर दी गई है, उसकी कुछ चिंता मत करिए, आप 9th में पढ़िए, 10th में पढ़ो, आगे काम देगा। अब पहला, अब सेकंड बी, या 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम का मतलब है वेट, वेट डब्लू होता है 20 ग्राम, और देखिए वाटर, वाटर एम, और एच टू ओ का मोलर मास हो जाएगा 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, और एन इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यू नो वेरी वेल, वही लिख देंगे W अपॉन एम, W कितना है यहाँ 20 अपॉन 18, डिवाइड कर दो 2 से 10, 2 से डिवाइड 9, डिवाइड कर दो 10 और 9 1, फिर 1 बच, यहाँ बचा जी, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और फिर बन गया इस तरह से 1.1 आ जाएगा, 1.1 मोल्स, तो हम सेकंड न्यूमेरिकल से इसे निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखिए मैं आपको थर्ड बताऊंगा, थर्ड में देखिए सी, यहां पर W इक्वल टू 22 ग्राम, और यहां पर क्या है CO2 है, तो CO2 का मोलर मास, मोलर मास कैलकुलेट मैंने बता दिया CO2, तो 12 और ये 16 प्लस 16 32 16 16 22 तो 44, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, और नंबर मोल्स कैलकुलेट करना है, तो
अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे नंबर मोल्स का, एंगल टू डब्लू अपॉन एम, डब्लू कितना है 22/44 और 22 और ये 2 तो ये हो गया एंगल टू 1/2, तो एंगल टू 0.5 मोल, ये आंसर है। तो मैंने आपको ये बता दिया हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर बहुत टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपका 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, नीट हो, IIT हो, किसी का भी हो, आप नंबर मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो मैं कोई किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स है तो यू विल कॉन्टैक्ट नंबर 9927929898 और टाइम में बता देता हूँ 8 PM to 10 PM, रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।